हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आप सब लोगों ने मेरे फर्स्ट कुकिंग ब्लॉग पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया कि मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी और आसान सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करूं। सो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप उसको लाइक और शेयर करें। और आप लोग अगर मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। सो कीप वॉचिंग। मैंने यहाँ पे 7 आलू लिए हैं, और अगर आप आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं आप अकॉर्डिंग टू देम भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरा बेबी पोटैटो नहीं है, ये बड़ा वाला पोटैटो है। ओके, और अभी जो चीज़ करनी है वो है इसमें इस तरीके से इसमें पोक करना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से आलू के अंदर जाए इस तरीके से। सो मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 प्याज, 2 टमाटर चॉप कर लिए हैं, देन मैंने यहाँ पे लिया है 5 से 6 गार्लिक को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है, देन मैंने आधी अदरक ली है, 2 से 3 हरी मिर्च ली है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, और मैंने यहाँ पे हरा धनिया चॉप कर लिया है। सो अभी ऑयल अच्छे से हीट हो गया है, और जो सबसे पहली चीज़ है वो हमें अभी पोटैटो को डीप फ्राई करना है। सो अभी जो हमारा प्याज है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, और अब हमें टमाटर इसमें अच्छे से फ्राई करना है। डालने हैं, और मैंने अभी इसमें डाला है आधी टेबल स्पून से ज़्यादा है थोड़ा सा हल्दी, और डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून ऑफ धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और इन तीनों मसालों को अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेना है। सो अभी हम अपने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए, और मेक श्योर आपकी जो फ्लेम है इट शुड बी ऑन, मतलब सबसे लो पे हो या सब पे, आप इसको करके ढक के रख सकते हो इस तरीके से। ये अगले 5 से 7 मिनट के लिए रखें तब तक कि इसमें सब्जी से तेल ना छूट जाए। सो हमारी सब्जी ने देखिए तेल छोड़ दिया है, तो ये जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट बन गई है। हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, और अभी मैं आपको शेयर करूंगी अपनी सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसमें मैं डालती हूँ वो है दही। और जब भी आप दही डालो तो उसकी जो गैस का फ्लेम होता है वो हमेशा लो पे होना चाहिए, और इस तरीके से उसको अच्छे से हिलाते रहना ताकि वो जो दही है वो फट ना जाए इस तरीके से। तो सब्जी में तेल छोड़ दिया है, और हमने अभी नमक नहीं डाला था पहले, क्योंकि अगर हम दही के साथ नमक पहले डाल देंगे तो दही हमारा फट सकता है। तो अभी मैंने सॉल्ट लिया अकॉर्डिंग टू द टेस्ट,
सो अभी इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, क्योंकि अभी जो हमारी ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक हो रही है, इसको पतला करने के लिए मैंने ऑलमोस्ट 1 कप के अराउंड इसमें पानी लिया। तो अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसकी ग्रेवी और आलू की क्या हालचाल है। तो इसको देख के लग रहा है कि जितना मसाला है वो आलू में अच्छे से जा चुका है। सी इस तरीके से आलू को पलट लें ताकि पूरे आलू में मसाला जाए। तो आलू अच्छे से पक चुके हैं और अब जो है अब हमें थोड़ा सा दही डालना है इसमें। और जो गैस है वो अगेन मैंने सिम पे कर दी है ताकि दही फटे नहीं, इस तरीके से। और अब डालना है इसके ऊपर हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। सो मेरी जो सब्ज़ी है अब अच्छे से बन के रेडी हो गई है और इसका टेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा आता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और अगर आप ये सब्ज़ी को ट्राई करते हैं, दिस इज़ कश्मीरी दम आलू, और अगर आपको अच्छी लगे सो प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स एंड डू शेयर योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।